नमस्कार, आप देख रहे हैं BIP न्यूज और मैं हूं अश्विनी सिंह राजपूत। उत्तर प्रदेश की सियासत अब गर्म हो चुकी है। हाल ही में ही कांग्रेस से पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन की है। उन्हीं के समर्थक जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, लव गुप्ता जी ने कल अपने सहयोगियों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी छोड़कर कल इस्तीफा दिया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं लव गुप्ता जी, उनसे हम विशेष वार्तालाप करते हैं, जो कई सालों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। नमस्कार सर, बहुत बहुत कि आज आपने हमें समय दिया। नमस्कार सर, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आप इतने सालों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, आपके जो आइडियल थे जितिन प्रसाद जी, जब आप भाजपा उन्होंने हाल ही में ज्वाइन की है, आपने भी कल इस्तीफा दिया है, अब आपकी विचारधारा क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। देखिए, विचारधारा व्यक्ति की होती है और विचारधारा हमारी जो थी, हम उसी पर हमेशा काम करेंगे। और जितिन जी जैसा डायनेमिक लीडर कांग्रेस ने खो दिया, इसके लिए उन्हें बड़ा अफसोस होना चाहिए, ना कि उन्हें इस चीज़ को लेकर पॉलिटिक्स करनी चाहिए। देखिए, जब से जितिन जी ने पार्टी छोड़ी है, सीतापुर, शाहजहाँपुर और आपके लखीमपुर, सैकड़ों लोग उनके समर्थन में पार्टी छोड़ चुके हैं। मैं कांग्रेस के बैनर तले काफ़ी दिनों से काम कर रहा था। अभी कोविड काल में आपने देखा होगा कि मैंने ऑक्सीजन से लेकर जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें थी लोगों को कांग्रेस के बैनर तले मुहैया कराई, और अभी भी मैं प्रयास करता रहता हूं कि कोई भी व्यक्ति मेरे पास आता है। फिर भी हम लोग सत्ता में नहीं थे, हम लोगों ने अपने पूरे प्रयास से लोगों का काम कराने का पूरा प्रयास किया है और आगे भी करेंगे। एक सवाल आपसे है कि आपके साथ कल सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी को छोड़ा है, क्या क्या लगता है आपको कि वो भी कांग्रेस छोड़कर अब भाजपा में शामिल होंगे या सपा में शामिल होंगे, क्या लगता है किस पार्टी में हो जाएंगे? देखिए, लगभग सभी कार्यकर्ता जिन्होंने जितिन प्रसाद जी में अपना विश्वास जताते हुए पार्टी छोड़ी है, तो मुझे लगता है कि जितिन जी के आने पर, जब जितिन जी अपने यहाँ आवास पे आएंगे या उनसे मुलाकात लोगों की हो पाएगी, तो लगभग सभी लोग उनका समर्थन करेंगे, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। एक यह भी महत्वपूर्ण सवाल है कि आप नगरवासियों के लिए नगर स्तर की आवाज़ उठाते रहे, आपके साथ मुस्लिम कार्यकर्ता भी बहुत जुड़ा हुआ है, व्यक्तिगत आपसे जुड़ा हुआ, आपके लिए कई प्रकार की आवाज़ें भी उठाते लोग आते आ रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग, क्या लगता है कि ये लोग भाजपा में आएंगे आपके साथ में? देखिए, जो लोग मेरे साथ व्यक्तिगत जुड़े हैं जी, वो आपने तो ट्रेंड देखा होगा, लोगों ने हमारे लिए सोशल मीडिया पे फेवर में चलाया, तो मुझे लगता है, और अब तक जब से जितने लोगों से मेरी बातें हो रही हैं, सब मेरे साथ हैं, और लोग व्यक्तिगत विचारधारा जो मेरी है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को हटाकर जो मेरी विचारधारा है, मैं सबको हमेशा साथ लेकर चला हूँ। कोई भी हो, मुझे लोगों के काम से मतलब होता है, मैं सबके साथ हूँ, और आगे भी मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं जहाँ भी जाऊँगा मैं सबका साथ और सबका विकास करूँगा। जितिन प्रसाद जी के पार्टी छोड़ते हुए क्या अभी आपकी कोई भी सूचना, फ़ोन के माध्यम से कोई वार्तालाप हुई मंत्री जी के साथ अभी एक बार भी, अभी कोई? मेरी बात हो चुकी है जितिन जी से जी, और बस उनके आने का इंतज़ार है, वो आ जाएं, फिर कुछ बातें रह गई हैं जो, क्योंकि अभी वो इतना व्यस्त हैं खुद में कि ज़्यादा बातें फ़ोन पर करना संभव नहीं है, तो आए वो, उसके बाद कुछ चीज़ें डिस्कस करना है, फिर उम्मीद है कि हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में उनके सानिध्य में शामिल होंगे। एक सवाल रहा कि विपक्ष के रूप में आप इस क्षेत्र से कांग्रेस के बराबर आप डटे रहे, और अब जब भाजपा आपके जितिन प्रसाद जी ने ज्वाइन कर ली है, अभी आपके समर्थकों ने इस्तीफा दे लिया, क्या लगता है आप अपने पद को भाजपा में किसी के पद के रूप में अपने आप को देखते हैं? देखिए, मैं कांग्रेस में प्रदेश महासचिव व्यापार कर रहा हूँ, और जिस हिसाब से कांग्रेस ने मुझे जिम्मेदारी दी, मैं उनकी जिम्मेदारी पर खरा उतरा हूँ, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, जो इस समय नेतृत्व है वो नेतृत्व दिशाहीन है, वो सही से काम नहीं कर रहा, जो बूथ तक लोगों की बात सुनना चाहिए वो नहीं पहुंच रहे हैं वो लोग। और जैसे कि मैं अपनी बात करता हूं, मेरे संपर्क में समाजवादी पार्टी के और उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मेरे संपर्क में थे, जो कि पार्टी छोड़ना चाह रहे थे और यहाँ से, हमारे क्षेत्र से
विधानसभा का टिकट चाहते थे, कद्दावर लोग थे, उनके संपर्क मेरे संपर्क में थे, मैं प्रदेश नेतृत्व से बराबर बात कर रहा था, उनको 15 से 20 दिन हो गए, प्रदेश नेतृत्व ने टाइम नहीं दिया ज्वाइनिंग का जी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि नेतृत्व दिशाहीन है और लोगों का महत्व नहीं दे रहे हैं, तो कैसे ये सत्ता में आएंगे। एक सवाल हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि जितेंद्र प्रसाद के भाजपा ज्वाइन करते ही एक सोशल मीडिया पर ब्राह्मणों ने जितेंद्र प्रसाद के लिए लिखना शुरू कर दिया है, क्या लगता है कि जितेंद्र प्रसाद के भाजपा में आते हुए क्या ब्राह्मणों का जो सपोर्ट कांग्रेस में रहते हुए मिल रहा था, क्या बीजेपी में आते हुए वैसे ही मिलेगा? देखिए सुनी जी, वो इसके लिए मैं मेरा तो कहना उचित नहीं, क्योंकि वो सब एक परिवार हैं, एक समाज के लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि जितिन जी से कोई भी नाराज है, और वो इतने डायनेमिक लीडर हैं और सबको साथ लेकर चलने वाले हैं जी। कभी भी उनसे कोई व्यक्ति नाराज नहीं हो सकता। आप देखिएगा आने वाले समय में जितिन जी जब आएंगे, कुछ नाराजगियां अगर लोगों में है भी तो उनके आते ही वो दूर हो जाएंगे। एक सवाल अहम सवाल कहना है, हम बात ये करना चाह रहे हैं आपसे कि यूपी के सबसे बड़े चेहरा माने जाते थे जितिन प्रसाद जी, अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं, क्या देखा जाए कि यूपी में से अब कांग्रेस मुक्त हो चुकी है? देखिए मैं कांग्रेस को लेकर तो किसी पार्टी को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हर पार्टी मेहनत करती है। दो बड़े चेहरे थे इससे पहले, सिंधिया थे और जितिन प्रसाद भी थे जी। जी जितिन, हाँ ये तो है कि जितिन जी के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस को छोटा मोटा नहीं बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप देखिएगा आने वाले समय में जितिन जी का जो प्रभाव है वो आने वाले चुनाव में साफ नजर आ जाएगा। एक अंतिम सवाल हम आपसे थोड़ा और चाहते हैं, हम आपसे ये जानते हैं कि इस विधानसभा में, धौरहरा विधानसभा में, अभी तक बीजेपी में कई गुटों के मत कार्यकर्ताओं के मत नेताओं के गुटों के चलते राजनीति हो रही थी, क्या क्या देखा जाए कि जितिन के भाजपा में आने से क्या एक और गुट तैयार हो जाएगा बीजेपी में इस विधानसभा में? देखिए जितिन जी को जहाँ तक मैं जानता हूँ, इतने सालों से मैं उनके साथ रहा हूँ, मैंने काम भी किया उनके साथ, तो वो इस तरीके की राजनीति कभी करते नहीं हैं। और ये गुट वाली बात जो आप कह रहे हैं, जहाँ तक हम लोगों का अगर जितिन जी ने कोई जिम्मेदारी दी या कोई हम लोगों को कोई निर्देश दिया, तो हम लोगों का सबसे पहला काम यही रहेगा, ये जो गुटबाजी है जी, ये गुटबाजी को ख़त्म करने को। जब ये गुटबाजी ख़त्म होगी तभी सब एक होकर किसी भी दल को मजबूत कर सकेंगे। अभी क्या लगता है, आप जितिन प्रसाद जी भाजपा में आए हैं तो क्या लगता है किस मंत्री पद के दावेदार के रूप में सामने आएंगे वो? देखिए वो उनका निर्णय है, क्या उनकी बातें हुई हैं क्या नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है, वो जो अपना निर्णय लेगी उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कह सकते। अभी आपके लिए क्या कहां से आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं, इस्तीफा तो आपका देगा, क्या भाजपा में ज्वाइनिंग करेंगे तो किस लेवल पर जाके ज्वाइनिंग करेंगे आप, कि कोई आदेश आया भी ऊपर से कुछ? देखिए हमारी बताया जैसे मैंने आपको हमारी बात हो चुकी है, अब जितिन जी के आने का इंतजार है, वो जैसा निर्देश देंगे, फिलहाल हमारे समर्थक सब हमारे साथ हैं, हम सैकड़ों समर्थकों के साथ दलबल के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे।